दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डेली डीएलए डैट जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो टॉपिक है ना ये दोस्तों आपका सिलेबस में भी दिया गया है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टॉपिक्स आप लोग देख रहे हैं ना इन सभी टॉपिक्स के ऑलरेडी क्वेश्चंस दोस्तों मैंने करवा रखे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों मैथ में 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं तो आप दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो मैंने क्लासेस करवाए हैं उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है बिहार डीएलएड और दिल्ली डीएलएड का इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और दोस्तों साइंस का जो सिलेबस है ना ये बिल्कुल सेम है। देखिए इन सभी क्लासेस को दोस्तों आप लोग कैसे देख सकते हैं ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे आना है, देन स्टार्टिंग में आपको दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएगी, बिहार डीएलएड रीजनिंग का क्लास है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मैथ का क्लास मिल जाएगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना सिंप्लीफिकेशन के, इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। अब दोस्तों बोर्ड मास का रूल क्या होता है इसे एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं, देन उसके बाद आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको शो किया है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें इस बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्तों बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि यदि किसी क्वेश्चन में दोस्तों ब्रैकेट दे रखा है ना तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों ब्रैकेट भी जो है ना ये चार प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये आप लोग देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार प्रकार के ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम जो है ना लाइन वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, देन थर्ड नंबर पे कर्ली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में हम बिग वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया ब्रैकेट सॉल्व करने का। देन उसके बाद दोस्तों हम ऑफ सॉल्व करेंगे। अब ऑफ का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर क्या है ना, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। देखिए एक मल्टीप्लीकेशन हमारा डिवीज़न से पहले आता है ऑफ वाला, और एक आता है दोस्तों डिवीज़न के बाद। तो सबसे पहले आपको किसे सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको ऑफ वाला मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है क्योंकि यही ऑर्डर चलेगा, ठीक है ना। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन उसके बाद ऑफ। तो ऑफ के अंतर्गत क्या है, कुछ संख्याएं जो है ना का के साथ लगा हुआ होता है तो का को हम हटाकर मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर को अदर नंबर के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, आप लोग ये मत कहिएगा कि सर डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन होता है ना तो ये आप पहले क्यों कर रहे हैं। तो होता तो है लेकिन दोस्तों ऑर्डर तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना, ऑफ वाला मल्टीप्लीकेशन हमें पहले करना होगा देन उसके बाद डिवीजन देन उसके बाद ये सिंपल वाला मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना, ये ऑर्डर देन एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो चलिए अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, हम सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और दोस्तों ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट, देन थर्ड नंबर पर हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, एंड सबसे लास्ट में हम बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों लाइन ब्रैकेट तो नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ देखिए यहाँ पर इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुछ स्टूडेंट को लगता है ना ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये होता है केवल ब्रैकेट को हटा देना। देखिए ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्रैकेट ओनली हटा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या माइनस प्लस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है ना उसको सॉल्व करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये जो नंबर है यहाँ पर ये ब्रैकेट में दे रखा है स्मॉल वाले ब्रैकेट में, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले चार से आठ में भाग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भाग हो रहा है, तो चार दुनी आठ दो हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा दो, ठीक है ना। देन उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में माइनस में टेन दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में टेन। और देखिए यहाँ पर ये दोनों जो संख्या है ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना आप लोग देख सकते हैं, तो आप इसे ब्रैकेट में रखिए और इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो देखिए दस दुनी बीस माइनस में बीस हो जाएगा ना क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस में टेन हो गया है तो माइनस में यहाँ पर बीस हो जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों देखिए चार तिया बारह, आप बारह लिखेंगे, ठीक ना। और देखिए इसे आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है क्योंकि हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। उसके बाद दोस्तों सेवन कर दीजिए और यहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दे रखा है ना इसे सॉल्व कीजिए क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। तो 20 में से 12 चला जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि 20 रुपये आपके पास कर्ज है और 12 रुपये आपके पास है, तो जब 12 रुपये आप पे कर देंगे तो कितने रुपये और देने के लिए रह जाएगा, मतलब कर्ज 8 रुपये रह जाएगा, वो माइनस में रहेगा क्योंकि कर्ज को हम हमेशा माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद माइनस में यहाँ पर 8 हो जाएगा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ठीक है ना, और यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाइए और 7 लिख दीजिए, ठीक है। इसको मैं एक बार अच्छे से लिखता हूँ, माइनस यहाँ पर आप क्या कीजिए इस तरीके से लिखिए कर्ली ब्रैकेट और माइनस में यहाँ पर हमारा 8, ठीक है ना। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा,
7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन डी आ गया। तो ये है करने का तरीका। सेकंड क्वेश्चन तो दोस्तों और भी आसान है। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दे रखा है ना, सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक ना। तो देखिए 13 प्लस में 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, और यहाँ पर गुना में 2/5। अब आपको करली ब्रैकेट के अंदर इसे रखना है क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर है। अब करली ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए क्योंकि बोर्ड मास का रूल ही हमारा यही कहता है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, देन उसके बाद करली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट। और देखिए ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल ब्रैकेट को हटा दें, उसके अंदर जो नंबर माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो रहा है ना उसको सॉल्व कीजिए। ये होता है ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब। देखिए 5 × 5 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6। मतलब करली ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमारा कितना आया है, 6 आया है। अब 7 − 6, और इसे आप बिग ब्रैकेट के अंदर रखिए। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, इस बिग वाले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो 7 − 6 जाएगा, 1 आ गया, ठीक ना। अब देखिए ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो ब्रैकेट हटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 × 1 कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब 4 जो है ना 3/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3/5 × 4 इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 12/5, ठीक ना, 12/5 आपका आंसर आ गया। अब इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 5 से 12 में भाग कर दीजिए, 5 × 2 = 10, ठीक ना, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 / 5 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। और देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारा रिमाइंडर होता है ना शेषफल, इसे हम सबसे ऊपर में लिखते हैं, और ये जो भागफल होता है हमारा इसको हम आगे लिखते हैं, और जिससे हम भाग कर रहे हैं वो सबसे नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दे रखा है ना, ये दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 14 × 2 = 28 प्लस में 1 29/2, देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसे भी आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, 5 × 5 = 25 और 4 = 29, 29/2। अब देखिए यहाँ पर डिवीज़न का साइन है तो डिवीज़न का साइन लगा दीजिए। अब देखिए इसे आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखना है क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। अब आपको मैंने बताया था बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम दोस्तों लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अगर लाइन ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ठीक ना। तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप केवल ब्रैकेट को हटा दें, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दे रखा है अगर डिवीज़न हो रहा है तो डिवीज़न कीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर ये आपका भिन्न का भाग बन गया, और भिन्न का भाग दोस्तों सॉल्व करने का रूल मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते। देखिए 5 × 5 = 25 और 4 = 29, 29/5 है ना, तो 29/5 मैंने 2 लिख दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, ठीक ना, 29/5। अभी आपका भिन्न का भाग बन गया, तो भिन्न का भाग सॉल्व करने का रूल क्या कहता है हमारा, जिस संख्या के आगे डिवाइड का साइन लगा हुआ होता है ना, डिवीजन का साइन, आपको क्या करना है, डिवीजन का साइन हटाकर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, और जो न्यूमरेटर में जो नंबर होता है ना जिस संख्या के आगे डिवाइड का साइन लगा है उसका न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर के प्लेस पर कर दीजिएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर के प्लेस पर, ठीक ना, यही चेंज करना होता है बस। तो 29/5 गुना में 2/29 कर दीजिए, ठीक ना, प्लस चेंज कर देना है इसका स्थान। अब आपको क्या करना है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, भिन्न का गुना हो गया, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। देखिए स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आपका 2/5 आया है ना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो देखिए 15/4 गुने में 2/5 इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो संख्या आपस में मल्टीप्लाई ही होती है ना। आप क्या कीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 35। तो 3/2 आपका करली ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आया है ना, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर ही हमने इसको रखा था 15/4, और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमारा आया था 2/5 आया था ना, तो करली ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, और इसे सॉल्व करने पर 3/2 आया है ना। अब हम क्या करेंगे, तो इसे बिग ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दे रखा है इससे माइनस कर देंगे। तो देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11, 11/3, उसके बाद माइनस में हमारा कितना आया था, 3/2, ठीक ना। अब आप क्या कीजिए, ये आपका भिन्न का घटा बन गया, तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 3 और 2 का LCM कितना आ जाएगा, 3 और 2 का LCM आपका आ जाएगा 6, 3 × 2 = 2, 11 × 2 = 22, 22 − 2 = 6, 3 × 3 = 9, ठीक ना, 22 में से 9 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, आपका 13/6 आ जाएगा, 13/6 आ गया, यहाँ पर आ गया ना। अब ये क्या है, तो ये दोस्तों आपका प्लस में ही है, ठीक ना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सारा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है, अब 6 × 3 = 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23,
23 बटे में 6, अब इससे आप प्लस कर दीजिए, तो देखिए 6 कैल्शियम 6 ही आएगा, 23 और 13 आप प्लस कर दीजिए, 3 3 6 2 और 1 3, 36 बटे में 6, 6 से 36 में भाग कर दीजिए, 6 6 36, 6 आपका आंसर आ गया। तो ये है करने का तरीका। देखिए फोर्थ क्वेश्चन को करने के दोस्तों दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप जो है इसे वही सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए जो आप क्लास 8 और 9th में करते थे, और दूसरा तरीका है दोस्तों आप फार्मूला पुट कर दीजिए, क्योंकि फार्मूले से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप दोस्तों 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6.75 को आपको क्या करना है, ए मानना है, ठीक ना। उसके बाद 4.25 को आप बी मान लीजिए। तो जब हम ए और बी इन दोनों को मानते हैं तो हमारा जो है ना यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट होगा, और फार्मूले को ही आपको सॉल्व कर देना है, इसे नहीं रखना है उसको ए के स्थान पर, ठीक ना। तो देखिए 6.75 को ए मानेंगे तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था दोस्तों जब सेम संख्याएं कितनी ही बार जब मल्टीप्लाई होती है ना, तो यहाँ पर हमारा एक घातांक का रूल लागू होता है, जब आधार सेम होता है तो उसके जो पावर्स होते हैं ना ये आपस में प्लस हो जाते हैं, बस वन टाइम हमें उस संख्या को लिखना होता है और पावर्स प्लस कर देते हैं जब मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए जिस संख्या के ऊपर कुछ भी पावर ना लिखा हो, तो आपको बताया था एक छुपा हुआ होता है, तो 3 पावर हो गया, तीनों को प्लस कर दीजिए, तो 1 की पावर 3, मतलब कि यहाँ पर हमारा 1 की पावर 3 हो गया। उसके बाद माइनस में 4.25 को हमने बी माना है, तो ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 3 हो गया यहाँ पर। तो 1 की क्यूब माइनस में 2 की क्यूब फार्मूला बन गया ना, देख लीजिए आप लोग। इसी तरीके से यहाँ पर 2 टाइम हो रहा है, तो 1 की स्क्वायर माइनस में, सॉरी प्लस में है, उसके बाद 2 की स्क्वायर प्लस में 1 गुने में 2, है ना। देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला बन गया। अब 1 की क्यूब माइनस में 2 की क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम फार्मूला देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इस फार्मूले को हमें लगाना है, 1 की क्यूब माइनस में 2 की क्यूब इज इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस b ब्रैकेट में 1 की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में 2 की स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 की क्यूब माइनस में 2 की क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट में 1 की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। बटे में हमें क्या करना है, 1 की स्क्वायर प्लस में ab प्लस में 2 की स्क्वायर, ठीक है ना, यही था हमारा। तो देखिए इससे दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, a माइनस b, ठीक है ना, a माइनस b बचा। अब a हमने किसको माना था, तो 6.75 को, और b हमने किसे माना था, 4.25 को। अब आप इसमें माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 5 0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 2.5, ठीक ना। और देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आप 2.50 को 2.5 लिख सकते हैं, आपका आंसर ऑप्शन b हो जाएगा।